रॉक्स आर्मी, इट्स योर बॉय अजय रॉक्स हियर और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस ये वाला गेम प्ले खतरनाक होने वाला है, हाई किल होने वाला है गेम प्ले, है ना। और इस गेम प्ले में मैं ट्राई करूंगा कि स्नाइपर से ज़्यादा किल ले सकूं, लेकिन देखो प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं स्नाइपर की तो कई शॉट ऐसे होते हैं कि मिस होंगे, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। अभी यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि सनफ्लावर मार्केट पे उतरो, गोल्ड शील्ड उठाई और मेरे हाथ में थी स्नाइपर, एक बंदा मेरे सामने। अभी यहाँ से मैं पूरा डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक बार स्कैनर भी चलाया और वो बंदा गेट से आया, मतलब एकदम सामने। अभी मेरा वापस से मैंने 94 का डैमेज दिया और अब के बार मैंने उसे पूरा नॉकआउट कर दिया। अभी यहाँ पर तभी एक और बंदा आया, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्नाइपर से मारने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से कई शॉट्स मेरे मिस हो रहे हैं, है ना। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, तो इस वजह से मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था स्नाइपर की, और फाइनली इस भाई को मैंने नॉकआउट करके पूरा फिनिश कर दिया। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि और बंदे कहाँ हैं, हलचल महसूस नहीं हो रही थी मेरे को। मैंने स्कैनर चलाया, मेरे को फिर भी कोई बंदा नहीं दिखाई दिया। अब इसके बाद मैं अंदर आया और मेरे ध्यान गया कि अपने शील्ड नहीं लगाया और यहाँ पर मेरे को शील्ड भी मिल गई थी, तो मैंने रिचार्ज किया, तभी यहाँ पर एक और बंदा आया। इस जैसे ही नॉकआउट किया मैंने, ऑल पे मेरे को आवाज आने लगी, देखो सुनो। ओ भाई रिवाइव करो, चार नंबर मार दिया तो क्या आएगा। अब जैसे मैंने इसको मारा, मेरे को ऊपर से आवाज आने लगी, शायद एक एनिमी ऊपर ही कैंप कर रहा था भाई। और वो बंदा मुझे अब दिखाई दिया। और फाइनली इस भाई को भी मैंने यहाँ पर आराम से ठोक दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लूट करा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़े आइटम भी चाहिए, अटैचमेंट भी चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने अटैचमेंट उठाए और एक बार मैंने यहाँ पर शेल भी रिचार्ज की। अभी अब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदे नहीं थे। तो यहाँ से मैं जा रहा था सिटी प्लाजा की ओर, आई बटन से मैं पीछे देख रहा था कि कोई बंदा मुझे दिखता है तो पीछे से, तो मैं उससे फायर लूँगा। तभी यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखाई दिया। और वो भाई यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया। अब यहाँ पर मेरे को जाना था सिटी प्लाजा की, तो फटाफट से मैंने गाड़ी मंगाई और मोटरसाइकिल से मैं इधर सिटी प्लाजा की ओर जा रहा था। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, एक गेम प्ले वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि Fallout 24 खेलते हैं। आज का हमारा लाइक है 200 का, होप कि आप लोग करा दोगे। अब जैसे मैं इस लोकेशन पर आया, यहाँ पर मुझे जंप पैड का यूज़ करता हुआ एक बंदा दिखा दिया और मैं समझ गया यहाँ पर एक से ज़्यादा बंदे हैं। अब जो बंदा मुझे पहले दिखा था उसे तो मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया। अब यहाँ पर और भी बंदे थे लेकिन वो हलचल नहीं कर रहे थे, तो मैं एक बात तो यहाँ पर समझ रहा था कि हो सकता है कि मेल बिल्डिंग में कोई बंदा एकदम नजरें गड़ाए हुए बीच पे बैठा हो और जैसे मैं निकलूँ मेरे को टपका दे, हेडशॉट वेडशॉट मार दे, तो इस वजह से मैं इधर से नहीं देख रहा था विंडो में से। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया जो होगा देखा जाएगा, और पीछे से भी मुझे हलचल आने लगी। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो देख देख कर चल रहा था, फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार इस तरफ से मेरे को आवाज़ आ रही है लेकिन कोई बंदा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मैं इन घरों के तरफ से ही आगे की ओर जाने लगा। अब धीरे धीरे मैं इस लोकेशन पे आया, मेरे को वापस से आवाज़ एकदम बंद हो गई आना, तो फिर मैंने डिसाइड किया यार गाड़ी लेते हैं और लोकेशन पे जाते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो एक बार फिर मैंने सोचा यार एक बार राउंड लगाते हैं सिटी प्लाजा के, हो सकता है कोई बंदा मुझ पर फायर ज़रूर करे। और सही बताऊँ तो हुआ भी कुछ ऐसा ही,
मुझे पीछे से फायर होने लगा। अब यहाँ पर एक बंदे से मेरी फाइट हो रही थी और उस बंदे ने मेरी गाड़ी को कर दिया एकदम लाम, और यहाँ पर मैंने उसे फिनिश भी कर दिया। तभी यहाँ पर एक और बंदा मुझे दिखाई दिया। और भाई साहब इस भाई को क्या ही नोक किया, मतलब ये जब ही जेट का उपयोग कर रहा था जो तो मेरे सामने आके एकदम घुटनों पर आ गया। तो फाइनली मैंने इन भाइयों को आराम से टोक दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बार अपनी शील्ड रिचार्ज की क्योंकि मेरे को और भी फाइट लेनी थी, इस वजह से जाने से पहले मैंने एक बार शील्ड रिचार्ज की और मोटरसाइकिल मंगाई और बंदों को स्पोर्ट करने के लिए मैं इधर से उधर घूमने लगा। और तभी एक बंदा मुझे स्पोर्ट हुआ। और फाइनली इस भाई को मैंने पूरा फिनिश कर दिया। तो गाइस अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाओ और सर्च बॉक्स में लिखो अजय रॉक्स ऑफिशियल। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर आप हमें फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर भी फॉलो करोगे तो अच्छा रहता है। और जो भी अगर मैं कई दिनों तक ना हूँ तो वहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि इस वजह से नहीं आ रहा हूँ। और जो भी नई वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन वो आपको वहाँ पर स्टोरी में मिल जाती है, लिंक भी मिल जाता है नए वीडियो का। तो अगर यूट्यूब से ना मिले तो उधर से मिल जाएगा, तो कोई चिंता के विषय नहीं है। वहाँ पर भी जाकर आप नोटिफिकेशन पा सकते हो कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो का। अब इधर मैं आया और एक बंदा मेरे को वापस से सामने की ओर दिखाई दिया। अब यहाँ पर एक बंदा तोप बना के बैठा था, मैंने डिसाइड किया यार स्नाइपर्स मारते हैं, और एक बंदे को मैंने उतार भी दिया। अब बारी थी कार वाले बंदे की, लेकिन उसे लगी नहीं रही थी। फाइनली मेरा एक शॉट कनेक्ट हुआ और वो बंदा भी नॉकआउट हो जाता है और वो बंदा अब पूरा फिनिश हो जाता है। लेकिन अभी एक और बंदा था जो कि घुटनों पे था, तभी मैंने सोचा यार रहने दो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, 94 का तो मैंने डैमेज दे ही दिया था। तभी लेफ्ट साइड से मुझे आवाज़ आने लगी और वहाँ पर लड़ रहे थे दो बंदे आपस में। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्नाइपर में थोड़ा नया नया कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो कई सारे शॉट ऐसे होते हैं कि लगेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया था मारने की, फाइनली एक ही शॉट मेरा कनेक्ट हुआ, दूसरा भी शॉट कनेक्ट हुआ और मैं चाहता था कि उस बंदे को नॉक कर दूं, लेकिन शायद उसी बंदे ने उस बंदे को नॉक कर दिया था। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था उसे हेडशॉट मारने की, उसे लग ही नहीं रहा है व्हीकल में। तो अब इसके बाद उसकी गाड़ी हो गई लाल, लेकिन मुझे नहीं पता इस बंदे को पता नहीं है क्या निकलना भी होता है उसमें से। फाइनली वो बंदा भी यहाँ पर टपक गया। अब यहाँ पर जैसे मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे एक स्पाइडर दिखाई दी। अब देखो गाइस इसे कैसे मारते हैं। और फाइनली इस बंदे को भी मैंने आराम से नॉक कर दिया, नॉक करने के बाद पूरा फिनिश भी कर दिया। अब यहां पर मैंने सबसे पहले अपनी शील्ड लगाई क्योंकि इस भाई ने क्या ही खतरनाक सा डैमेज दे रहा था ये इस वाली व्हीकल के अंदर बैठकर, इस स्पाइडर वाली। मुझसे तो नहीं लगता, मेरी तो बुलेट बहुत ज़्यादा फैलती हैं इससे। तो भाई साहब मतलब हार्ड तो है इस व्हीकल से, लेकिन डैमेज आप दे सकते हो, खचा खचा डैमेज लगता है। अब यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि स्पाइडर वाली व्हीकल है, इसको उठाते हैं और बंदों को ढूंढते हैं, है ना। तो मैं आया सामने वाले पहाड़ के ऊपर
यहाँ पर रुकने के बाद मेरे को सामने वाले घर में एक बंदा दिखाई दिया। अब सामने वाले घर में तो बंदा था ही, लेफ्ट भी एक बंदा आ गया था। तो वो बंदा जो था जिसे मैंने अभी डैमेज दिया था वो नीचे वाले घरों में आ गया और मैंने यहाँ पर कर दिया पुश, और उसकी शील लगाने की आवाज़ मुझे आ रही थी बहुत ही गहरी गहरी। तो मेरे को लगा इसके अंदर है, तो मैंने फायर किया, लेकिन वो बंदा यहाँ पे भी नहीं था। मैंने देखा ये डंडे के पीछे होगा एकदम कोने में, यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन वो तो इस वॉल के पीछे था। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। और भाई साहब एक इजी शॉट, मस्त वाला शॉट था गाइस। इसके बाद मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने एक बार अपनी गन को रिलोड किया। अब इस भाई को मैंने पूरा फिनिश किया, लेकिन मैं ये जानता था कि सामने वाले घर में भी एक बंदा है जो कि दुबक के बैठा है। अभी देखना कैसे दिखेगा वो। और फाइनली इस भाई की यहाँ पर आराम से मैंने पैटी बना ली। इसके बाद मैं अंदर से आया और एक बार रिलोड किया, और यहाँ से मैंने सोचा कि यार चलो निकलते हैं और सिटी प्लाजा की ओर एक बार वापस से राउंड मारते हैं, हो सकता है वहाँ पर बंदे मिले। और सही में यहाँ पर आते ही मुझे बंदा दिखाई दिया जो कि क्राफ्ट चला रहा था। अब देखो वो बंदा भी यहाँ पर निकल चुका था, तो मेरे को लेफ्ट से आवाज आने लगी और जस्ट मेरे नीचे था वो बंदा। और भाई साहब क्या ही मस्त डैमेज दिया था उस बंदे ने, दांत देने पड़ेगी। लेकिन फाइनली उस भाई को मैंने आराम से ठोक दिया। इसके बाद मैंने शील्ड रिचार्ज की और हिल भी रहा था कि हो सकता है कहीं से मेरे को उड़ती उड़ती गोली पड़ जाए, तो ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा हिल के शील्ड रिचार्ज कर रहा। अब मैं देखो थोड़ा थोड़ा इस वाले वॉल के पीछे आया और एक बंदा मेरे सामने दिखाई दिया जो कि मैच चला रहा था। फाइनली मैंने एक शॉट कनेक्ट कर दिया और वो बंदा बस के पीछे चले गया था। अब देखो गाइस इसे कैसे मारते हैं। और भाई साहब ये तो क्या ही शॉट पड़ा था इसे। फाइनली मेरे रॉकेट्स ने इस बंदे को यहाँ पर पूरा एक ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि टावर के नीचे मुझे एक बंदा दिखाई दिया जो कि शील्ड रिचार्ज कर रहा था। और भाई साहब उस बंदे को भी मैंने यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया। अब मैं एक बार इसके पेटे लूटने के लिए आया और यहाँ पर मेरे को वापस से एक बंदा दिखाई दिया जो कि एकदम मेरे सामने था। और इस भाई को भी मैंने इजी पीजी ठोक दिया। अब एक बार मैं वापस से जंपेड का यूज करके ऊपर की ओर आया और मेरे को एक बंदा ड्रॉप लौटता हुआ दिखाई दिया। मैंने कोशिश किया स्नाइपर शॉट से मारने का, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वो बंदा भी यहाँ से निकल चुका था, तो मतलब कि देखो डंडा कूद के वो भागा भी, तो मेरे को लगा ये सामने वाले घर में चले गया वो बंदा, लेकिन मैं गलत था, वो तो पता नहीं कहीं और ही चल गया। मैंने एक बार स्कैनर भी चलाया, मेरे स्कैनर में एक ही बंदा नहीं आया। इसके बाद मैं ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मेरे को लग रहा था वो बंदा अभी भी आस पास ही है और मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा मेरे को सामने दिखाई दिया। अब धीरे धीरे मैं इस वाले घर पे आया और वो बंदा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, मेरे को पता था वो ऊपर ही आ रहा है। अब देखो और खाइस क्या ही मस्त हेडशॉट पड़ा, तभी मुझे फायर हुआ, राइट वाले घर से मुझे फायर हो रहा था। और फाइनली मेरे को उसकी गन की
बुलेट्स भी दिखाई दिए गए, तो अब पूरा तो मेरे को दिख ही गया था वो बंदा। अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था उस मारने की, 197 का उसे डैमेज लगा, मतलब कि खतरनाक ही डैमेज लगा। अब जोन भी आ रहा था, अब उस भाई को यहाँ पर निकलना ही निकलना था। अब उसे डिसाइड करना था फटाफट से वो क्या करेगा, या मुझे मारेगा या फिर हिल बैटल करेगा। फाइनली उसने डिसाइड किया वो जोन में आएगा, और मैं पहले से ही रेडी था। और गाइस इसी के साथ ही तुम्हारे भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करें जो कि पहले 24 खेलते हैं। आज का हमारे इलाके में 200 का होप क्या दो करा दोगे।